वेलकम टू डॉक्टर सॉसी, क्या खाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर फूड व्लॉग जो कि काफ़ी अरसे के बाद कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 महीनों के बाद। लास्ट वीडियो मैंने 3 मार्च को बनाई थी, आज 29 जुलाई है, तो ऑलमोस्ट 5 महीनों के बाद मैं एक फूड व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आज मैं जिस जगह पे आया हुआ हूँ वो है डॉक्टर सॉसी, जिसकी पाकिस्तान में 3 ब्रांचेज हैं, एक वजीराबाद में, सेकेंड गुजरांवाला में और तीसरी ब्रांच हमारे फैसलाबाद में। तीसरी ब्रांच जो कि फैसलाबाद में है वो है अल हमीद चौक टी ग्राउंड में। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे डाइनिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आपको या तो टेक अवे करना पड़ेगा या आपको कुछ अरसे के बाद यहाँ पे डिलीवरी की भी सहूलत दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पे कोई भी डाइनिंग सिस्टम नहीं है, तो आप यहाँ से अपना ऑर्डर लेके या तो गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं या अपनी लोकेशन पे ले जाके खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिटी है इनकी मील्स के बारे में, जिसमें इनका फिलेट बर्गर आता है, ग्रिल बर्गर आता है, इसके अलावा एक रैप आता है, टोटीला रैप आई थिंक उसका नाम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जो चीज़ें आज ट्राई करेंगे उसका आपको रिव्यू देंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो। तो अभी हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि जब तक मेरे फूड व्लॉग में 120 FPS नहीं आएगा ना, मेरे व्लॉग को 4 चांद नहीं लगेंगे। तो अभी हम जाने लगे हैं किचन में। देख रहे हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। आना हो तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, वो हमने कर ली हुई हैं। अभी किचन के शॉर्ट्स हो गए हैं, खाना हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको टेस्ट आउट करेंगे और फिर आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। ओके जी, तो फाइनली हमारा जो मील है वो आ चुका है, और डॉक्टर सॉसी की जो स्पेशल पैकिंग है उसमें हमें हमारा मील मिला है। एक ये पैकिंग है, एक ये बड़ी पैकिंग है। अब जो हमने बर्गर्स मंगवाए हैं, ये जो हमें बर्गर्स आए हैं, वो सबसे फेमस इनका बर्गर है फिलेट बर्गर। अब मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर बकायदा उस बर्गर का नाम लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ कोई भी चीज़ ऐड ऑन करवानी है, लाइक को सॉसेज करवानी है या कोई भी आपने मशरूम डलवाना है या गार्लिक डलवानी है, जो भी आपने चीज़ डलवानी है वो इसके ऊपर बकायदा मार्क हो जाएगी, तो फिर आपको आपकी ही चीज़ मिलेगी। फिलेट के अलावा हमें मिला है ग्रिल फिलेट बर्गर, जो कि ये भी इनका काफ़ी स्पेशल है। फिलेट बर्गर जो है वो इसलिए इनका स्पेशल है क्योंकि वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है और बड़ी चीज़ लोगों को बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो खैर, दिस इज़ द ग्रिल बर्गर, और यहाँ पे हमें एक और आइटम देखने को मिलती है, द टोटीला रैप। भाई ये तो साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है, और इसके अंदर जो चिकन यूज़ हुआ है, इसके अंदर जो सॉसेज यूज़ हुई हैं वो भी बड़ी मज़े की हैं। और उसके अलावा हमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगी है इनकी, वो ये कि ये टिशू पेपर के ऊपर यूजली तो एक साइड पर लोगो होता है और दूसरी साइड पर खाली होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद है, वो है सजेशन। सजेशन में क्या लिखा हुआ है, क्लीन योर हैंड्स विद द टोंग। अब इसका मतलब जो है वो हम आपको मील ट्राई करने के बाद, मील खाने के बाद आपको बताएंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर मील नंबर 1। ओके, यहाँ पे टेपिंग हुई है बाकायदा ताकि इसकी पैकिंग को मजबूत रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके मैन, ये लिटरली काफ़ी ह्यूज साइज़ का इनका बर्गर है, जो फिलेट बर्गर है। यहाँ पे आपको एक बड़े साइज़ का चिकन का पीस देखने को मिलता है जो कि फ्राइड है, और सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी सॉस काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये सॉस इनकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, चपोटले सॉस इसको कहते हैं। अब इसको हम टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, और देखने में तो ये काफ़ी टेंडर और जूसी लग रहा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यूजली क्या होता है कि जब भी हम कोई फ्राइड चिकन का पीस खाते हैं तो वो ऊपर से स्पाइसी होता है, अंदर उसके फीलिंग में जो है वो इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे वो स्पाइस भी फील हो रहा है और उसके अलावा वो टेंडरनेस भी फील हो रही है। फिलेट बर्गर हमने ट्राई कर लिया है, अब बारी है ग्रिल फिलेट बर्गर की। तो अब हम इसका जो है फर्स्ट इम्प्रेशन और फर्स्ट इम्प्रेशन में टेस्ट चेक कर लेते हैं
इसके ऊपर भी टेपिंग हुई है और इसके ऊपर भी जो है वो एड ऑन्स की चीज़ें जो है वो मैंशन है। अगर आप लोग कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं लाइक अटोमिक सॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, अगर वो आप ऐड करवाना चाहते हैं या उसके अलावा मशरूम सॉस इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो ऐड ऑन में मेंशन कर दी जाएगी। ये तो काफ़ी जूसी है, ये तो मेरे हत्थे पड़ जाएगा, लेकिन क्या करें अब आप लोगों की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये बर्गर काफ़ी ज़्यादा ना जूसी मुझे लग रहा है, उसकी वजह ये है कि इसमें बारबेक्यू सॉस है और इसमें स्टैंडर्ड जो होती है हमारी मायो है, उसके अलावा गार्लिक सॉस है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पेशल बर्गर हमेशा स्पेशल ही होता है, उसकी सबसे मेजोरिटी में वजह ये होती है उसका चिकन, उसकी फिलिंग, और ये चिकन मुझे लिटरली काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और जो सॉसेस का टेस्ट है आई थिंक सारे वैसे उसके हैं। चिकन में जो है वो कमी पेशी हो जाती है कभी कभार, कभी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है, लेकिन जो सॉसेज है ना लिटरली उसके सारे वैसे हैं। लग रहा है कि इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी खासी मेहनत की गई है, शायद इसी वजह से डॉक्टर सोसी जो है वो डाइन इन की वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये बर्गर थोड़े से ना बदतमीजी से खाने वाले होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी हो ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिलेट बर्गर ट्राई हो गया, ग्रिल बर्गर ट्राई हो गया, अब हम करेंगे ट्राई टोटीला रैप। दोपहर भाई जिधर आपकी बस हो ना बता देना। अब बारी है टोटीला रैप की, लेकिन मुझे लग रहा है ये पहले मुझे थोड़ी सी कसरत करवाएगा ये ओपन होने में, उसके बाद हमें इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलेगा। और बाय द वे मैंने ना नाश्ता किया है ना मैंने लंच किया है, तो ये मेरा लंच और ब्रेकफास्ट ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि इस ये सारे मील भाई ये तो गर्मा गर्म और जूसी जूसी, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने के लिए ना आपका टमी खाली होना चाहिए, तो फिर ही आप वो जो इन्जॉयमेंट है ना वो खाने की वो ले सकते हैं। ये पहले आपको थोड़ा सा तरसाता है, फिर आपको जो है ना वो लज्जत भरा वो क्या कहते हैं स्वाद टेस्ट वो प्रोवाइड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई अच्छा आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो टिश्यू के ऊपर मिनी लिखा है, मैं आपको सजेशन यही दूंगा, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अकेले बैठ के खाना, वरना ना आप शर्मिंदा होते रहेंगे कि भाई अब मुंह पे लग गया अब नाक पे लग गया। तो सजेशन यही है भाई की बात मान लो तो अच्छे रहोगे, अकेले बैठ के खाना फिर मज़ा आएगा, या उन लोगों के साथ बैठना जिनके साथ आपकी थोड़ी सी ना संगत बनी हुई है तो शर्म वगैरह आप फील नहीं करते। यार इसका चिकन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, इसका चिकन मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जो फिलेट बर्गर का है उसका थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें भी चिपोटले सॉस लगाई गई है, गार्लिक सॉस है और साथ मायो है, लेकिन जो भी है यमी। डॉक्टर सोसी का ये कहना है और उनका ये दावा है कि ये जो इनका रैप है फिलेट सॉरी टोटीला रैप जो है वो 11 इंचज़ का है, तो आई थिंक 2-3 इंचज़ तो मैं खा गया हूँ, पीछे ये बच गए हैं कोई 7-8 इंचज़। और एक और मज़े की बात ये है कि ये एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है, मतलब अगर आप अकेले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, अलबत्ता अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो ये उनके लिए भी काफ़ी होगा, अगर आपके बच्चे शेयरिंग करना पसंद करते हुए। तो एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि इसके अंदर चिकन के अलावा भी एक स्पेशल चीज़ मौजूद है, वो है फ्राइज़, और वो सॉसेज की वजह से मुझे फील ही नहीं हो रही थी, फिर अचानक आपके भाई की नज़र पड़ी तो वहाँ पे फ्राइज़ मौजूद थे। अब जो एक मैं वजह बता रहा था कि इसका चिकन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और फिलेट बर्गर का इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, उसकी वजह ये है कि इसकी ब्रेड जो है वो प्री कुक्ड आती है, तो जब हम इसको रैप करते हैं इसको पैक करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है चिकन विद सारी सॉसेज विद फ्राइज, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर और काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। दोपहर भाई मेरी हो रही है, बस अब वीडियो को छोड़ते हैं, अब मील को इंजॉय करते हैं। 20 minutes later. हम अपने वीडियो का एंडिंग वहाँ पे करेंगे जहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट किया था। हमने टिश्यू पेपर की बात की थी जिसके ऊपर लिखा हुआ है सजेशन, और जो कोट है वो ये है क्लीन योर हैंड्स विद द टंग, जिसका मतलब ये है कि उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वाकई ही बहुत मज़ा आया और हाईली रिकमेंड है डॉक्टर सोसी, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपको डाइन इन नहीं मिलेगा, आपको टेक अवे करवाना पड़ेगा, लेकिन विद इन फ्यू डेज़ वो डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको डिलीवरी भी मिल सकती है ऑन कॉल या शायद किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको डिलीवरी भी मिलेगी, लेकिन वाकई ही फिर से मैं कहूँगा कि उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।